तो चलते हैं इधर को। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम चल रहे हैं जयगढ़ की तरफ को, और इससे पहले हम घूमे थे आमेर पैलेस में, तो अब चल रहे हैं आमेर फोर्ट की तरफ को। ओहो, चल रहे हैं हम जयगढ़ की तरफ को। हमारे जवानों का दम निकल गया है, हमारे जवान झुकने को तैयार नहीं है। झुकेगा नहीं, मैं झुकेगा नहीं। ऊपर पहुंच करेंगे, जो कि यहाँ से पूरा 2 किलोमीटर ऊपर, 2 किलोमीटर चलने के बाद वहाँ पहुंचेंगे। चलते पैदल पैदल, बने रहे वीडियो में, देखते रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे साथी, बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली है। इधर ले, घुमा के इधर। ओहो, ओफो, अरे पसीने पसीने हो गए हम तो। बस हवा चली ठंडी ठंडी, जवानों में हिम्मत जाग रही है, हिम्मत जाग रही है जवानों में। और ये जवान हमारा ढीला है थोड़ा सा। और ऊपर से पूरे शहर की अलग ही वाइब आ रही है। 1 hour later आखिरकार हम लोग पहुंच चुके हैं ऊपर तक, लेकिन काफी थक गए। थोड़ी देर सांस लेके चलते हैं अंदर, टिकट वगैरह लेंगे। अमेर फोर्ट जयगढ़, यार टिकट ले लिया ऊपर आके, जो कि 150 रुपये का है यहाँ पे। इतनी मेहनत करके आ रहे, इतना महंगा टिकट, वाह भाई वाह। तो बैठे चलते हैं अभी अंदर थोड़ी देर में। तो ये एक इल्यूजन है छोटा सा, देखने में तो स्टार लगता है। ये साइड वाइज तो ऐसा दिखता है, देखें कूलर हैं। ये है सुभट निवास और खिलपति निवास। कूलर है खिलपति निवास, लक्ष्मी विलास, इधर कमरे से बने हुए हैं। सब में ताला लगा रखा है। ये लक्ष्मी निवास विलास है और ललित मंदिर आगे। लक्ष्मी विलास छाव ले लो थोड़ी सी, अंधेरी गुफाएं खो जाएंगे भाई साहब इसमें तो। ये वाकई में भूल भुलैया थी। ये है भोजन भोजनशाला, डाइनिंग हॉल, समझ गए? यहाँ चल रहा है भोजन, भोजनशाला। डिस्टर्ब मत करना, ठीक है? और यहाँ खाना वाना, ये रसोई घर है। ये देखो चूल्हे बने हुए हैं यहाँ पे, इसको चूल्हा बोलते हैं। ये चूल्हा, ये शायद से बर्तन धोने के लिए, ड्रेनेज के लिए जगह होगी। ये रसोई है अंदर, नाइस। वो उन्होंने मूसली ले रखी है, और इधर कढ़ाई वगैरह, सिलबट्टा, सब चीज़ें हैं जो किचन में यूज़ होने वाली हैं। यह पानी भरा रखा है, और इधर ये इसे सूप बोलते हैं, सूप मतलब अनाज को साफ करने के लिए यूज होता है, सूफ। ये जो है ये वाला, ये भी सूफ ले रखा है उन्होंने। ये है चक्की जिससे अनाज पीता जाता है आटा बनाने के लिए। चलते हैं रॉयल लेडीज, मतलब राजघराने की लेडीज का डाइनिंग हॉल। यहाँ पे खाना वगैरह खाया जाता है राजघराने की, उन्हें खाना वगैरह खिला रहे हैं लोग। जनाना शाही भोजन सब कार्ड्स हैं, खींचने वाली हैं सब। ये भैया दिन में है नहीं, खींच के चलती हैं। अगर ये कुछ और है तो प्लीज़ कमेंट करके हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। लोकेशन कमाल है, ये इनके वॉशरूम लग रहे हैं। इधर भी वॉशरूम, और इधर नहाने की जगह लग रही है। हम अंदाजा ही लगा सकते हैं, बाकी तो राजा महाराजा उन्होंने बनवाया होगा अपने लिए। किधर गए भाई, आवाज दो, आ गया। मैं तो खो जा रहा हूँ भाई जयपुर। ऐसे नीचे का गार्डन बड़ा ही प्यारा लगा। वाह, बहुत ही प्यारा। धूप जब कम होगी तो और भी बहुत प्यारा लगेगा। देख सकते हैं हम लोग कितना बड़ा है।
अद्भुत है एकदम प्लेस। दर्शकपुरी हाँ मेरी सिटी दिख रही है वो कितना बड़ा किला था वो अब ठीक कर दो तो अब वहाँ घूम के आए थे अभी और कितना छोटा सा लग रहा है हम क्योंकि ऊपर आ चुके हैं दो दो किलोमीटर ऊपर हैं हम चल करके आए उधर देख सकते हैं वहाँ पे चल रहे हैं नजारे ये लगे यहाँ तो वो दिखाते हैं इधर से गए जाके और पूरा शहर यहाँ से झाँका जा सकता है वाह भाई वाह आमेर सिटी ये जो ऊपर वाला किला बनवाया गया है उस महल की रक्षा के लिए ये किला बनवाया गया है ऊपर ये आवाज है वहाँ से रानियाँ और राजा महाराजा यहाँ के देखते थे शानदार लाजवाब एकदम तो ये है पपेट शो की जगह यहाँ पे कठपुतलियों का देखा जाता है कठपुतली घर तो मित्रों ये है यहाँ की पीस एंड वॉर गैलरी तो इसमें जो भी मतलब पुराने टाइम के फ़ोटोज़ हैं या उनके हथियार वगैरह सब चीज़ रखे हुए हैं मैं जल्दी जल्दी से दिखा देता हूँ आप रोक के देख लीजिए क्योंकि यहाँ पे एक स्कूल का टूर आया हुआ है तो काफ़ी सारे बच्चे हैं तो काफ़ी सारा शोर शराबा हो रहा है पीछे इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ फिर चलते हैं आगे सबसे बड़ी तोप देखने के लिए वीडियो में बने रहें दिखाते हैं आपको दुनिया की सबसे बड़ी तोप उस टाइम की और ये यहाँ पर उनके कवच और मतलब ड्रेसेस वगैरह रखी हुई हैं ये उनके मेडल्स वगैरह रखे हुए हैं देखिए बहुत ही अच्छे लग रहे हैं बहुत ही सुंदर ये देख सकते हैं आप यहाँ पे वॉर के सामान ये पिस्टल्स हैं तोप रखी है और ये भी बंदूक वगैरह रखी हुई हैं ये ढाल रखी हुई है कवच है तो दोस्तों हम इन सब चीज़ों को जल्दी जल्दी दिखा दे रहे हैं आपको आप अगर ध्यान से देखना चाहते हैं तो पॉज करके देख सकते हैं पूरी हमने आर्ट एंड वॉर गैलरी कवर की है तो आप इसको ध्यान से देखिए इसमें सब कुछ डिटेल में दिखाया गया है और हम एक तरफ किले की घूम आए हैं और हमें अभी चलना है दुनिया की सबसे बड़ी तोप देखने के लिए तो आप वीडियो में बने रहें तो दोस्तों वीडियो में बने रहें देखिए हमने पूरा एक एक कोना कवर किया है इस आर्ट एंड वॉर गैलरी का देखिए कितनी सारी गन्स रखी हुई हैं ये तोप बनी रखी हैं तलवारें देखिए एकदम सीधी सीधी तलवारें हैं बिल्कुल एकदम और ये देखिए अलग डिज़ाइन की तलवारें हैं देखिए टॉर्चर करने का सामान लग रहे हैं और ये देखिए तोप का गोला है ये 50 किलो का गोला है कितना बड़ा लग रहा है काफ़ी बड़ा गोला है कहीं ये देखिए ये भाले रखे हुए हैं अलग अलग डिज़ाइन के बहुत ही भयंकर ये देखिए यहाँ पे गन पाउडर वाले वो रखे हुए हैं फेंकने के लिए आग लगा के कितने बड़े बड़े रखे हुए हैं ये हाथ से बनाए हुए हैं सब चीज़ें ये तोप रखी हुई है यहाँ पे काफ़ी बड़ी सी टांका ये टांका है ये टांके का प्रयोग क्या है पानी भरते थे अच्छा अंडरग्राउंड वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग टांके का पानी पीने का काम आता है कृपया ऐसा गंदा ना करें ओके पानी इसमें जाता था इसके नीचे पूरा मतलब इसके पूरे के नीचे इसके पूरे नीचे वाटर स्टोरेज है एक वाटर टैंक की तरह काम करता है छत का पानी यहां इसका पानी मेरे टैंक में मिल जाएगा पुराने जमाने में भी ऐसी चीज थी तो यार और टाके की सारी डिटेल इसमें लिखी हुई है आप पॉज करके पढ़ सकते हैं इसके बाद आ गए हम जवान तोप देखने उस टाइम की सबसे बड़ी तोप विश्व की अपने टाइम की देखने के लोग गाड़ी से घूम रहे हैं इतना मज़ा नहीं आ रहा जितना मज़ा पैदल घूम रहे हैं आ रहा है लेकिन एकदम मंत्रमुग्ध इधर कैक्टस के पेड़ हो रहे हैं पत्थरों में भी तो वहाँ पे कहीं ऊपर है तो चलते हैं देखते हैं तोप को चलते हैं ऊपर ऊपर से देखते हैं नज़ारा कैसा आ रहा है वो झंडा भी देख के आना उधर बच गया अभी उधर को चलते हैं रोड से ज़्यादा लंबा पड़ता है अलग ही नज़ारा यार पर ये बैठने सूखे क्यों मरुस्थली है ना इलाका इसमें से बैठे तो सूखे तो देख सकते हैं सामने से जल महल भी दिख रहा है जल महल
ये रहा स्पॉट में, राजस्थान में जल महल, उधर को रोड जा रही है, ये रोड आ रही है चलता। तो दोस्तों यह है तोप महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के शासनकाल के दौरान जयगढ़ की फाउंड्री में ही बनी है और किसी भी युद्ध में तोप का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसकी सिर्फ एक बार टेस्टिंग की गई है। तो टेस्टिंग के टाइम पे इसके अंदर करीब 100 किलो बारूद भरा गया था और जो कि लगभग 35 किलोमीटर जो गोला गिरा जाके तो वहाँ पे झील बन गई है, उस जगह का नाम है चक्षु, चक्षु में एक झील बन गई है इसके गोले के गिरने से वहाँ पे। और बाकी डिटेल्स भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस इमेज में है सारी, आप ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। 1720 में इसकी टेस्टिंग फायरिंग की गई थी इस तोप की। तो हम घूम लिए हैं सारे, वहाँ पे उस झंडे पे भी हुआ है, अब चलते हैं घर के लिए। ये हमारे फ़ोन में स्पेस कम रह गया, पूरा भर दिया फोन हमने, चलते हैं। और हमारी टीम में भी अलग अलग भी पड़ी है, 5 जने एक साथ, 4 जने एक साथ हैं, जल्दी से चलते हैं, वो लोग नीचे चले गए होंगे। तो हम अब 2 जने ही बचे हैं, आप लोगों को घुमाने के चक्कर में हम खराद परिसर को देखने आ गए हैं जहाँ पे सबसे बड़ी तोप बनी थी। इसका नाम है बजरंग वैन। ये जो इस पे सिंबल्स बना रखे हैं ना आगे तोप के, वो शाही परिवार द्वारा बनाए गए हैं, इसका फ्यूचर में यूज़ ना करा जाए। तोप कारखाना फाउंड्री खराद परिसर, मतलब हाँ यहाँ पे तोप बनाई जाती है, ढांचे हैं इनके, इसमें मेटल भरा जाता होगा ना, ये पूरा, ये भी पूरा ढांचा है मेटल भरने का, छोटी तोप बड़ी तोप। तो यहीं पे बनी थी जैवान तोप भी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी तोप है, यहीं पे बनाई गई थी। तो ये सब और टूल्स वगैरह रखे हुए हैं, बढ़ई के, लोहार के, खराद मशीन के सब टूल्स रखे हुए हैं, हम जल्दी जल्दी से चला दे रहे हैं, आप पॉज करके देख सकते हैं। तो हम 2 जने रह गए थे लास्ट में, वो भी भैया और गौरव भैया जी भी आगे निकल गए हैं, तो जल्दी से उन्हें पकड़ने के लिए हमने थोड़ी सी रेस लगाई। तो हम काफ़ी तेज़ उतर रहे हैं नीचे और ऊपर से भागते हुए आ रहे हैं, चलते हैं जल्दी से पकड़ते हैं उन लोगों को और फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को घुमाएंगे बिरला मंदिर। चलते हैं यहाँ से, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें। तो आप लोगों ने सारी वीडियो में देखा होगा ऊपर का पहले ये वाला महल है, इस महल की सुरक्षा के लिए ऊपर वो किला बनाया गया है, उसमें तोपे वगैरह रखी हैं, उनके हथियार वगैरह रखे हैं और वहाँ तोप बनाने का सारा सामान वगैरह रखा है। तो इस महल की सुरक्षा के लिए ये पूरी बाउंड्री करी गई है इधर और वो ऊपर वाला किला बनाया गया है। चलिए अब चलते हैं। तो भाई उतरने में हो गई हालत ख़राब, हाथों में नीचे और यहाँ पर फोटो वगैरह लेते हैं, भैया जी फोटो ले रहे हैं के अंदर, फोटो वगैरह लेके चलते हैं, कुछ खाएंगे और राजी पार्टी हमारी बाहर है उनके पास चलते हैं।